अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल एस ए मैथ वाइब्स। हम जी सी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे, बी एस जुआलॉजी सेकेंड सेमेस्टर की। मैथ कोड था 321 और कोर्स नेम अल्जबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। आर्टिकल जो डिस्कस कर रहे थे वो था फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। फंक्शन एंड इट्स टाइप्स के ऊपर ये थर्ड लेक्चर है जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पहले दो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, डियर स्टूडेंट्स आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 के बाद जो लेक्चर नंबर 4 आना है, वो पहले 3 लेक्चर्स में जो हमने थीरी पढ़ी है उसकी सारी की सारी एप्लीकेशन जो है ना वो हम साथ साथ भी करते रहे हैं, और एक हैंडसम एप्लीकेशन जो है वो लेक्चर नंबर 4 में भी आएगी, जिसमें आपके पहले चारों के चारों लेक्चर जो है वो रिवाइज हो जाने हैं। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में हमने ये पढ़ा था कि हम किसी भी सेट को अगर हमने एसोसिएट करना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो हम इसको एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं। उस वेरिएबल के अंदर उस सेट की तमाम जो खसूसियात होती हैं वो वेरिएबल एक्सप्लेन करने की कंडीशन में होता है, और आगे फिर उसको टेबलर फॉर्म में लिख देते हैं। वो सेट बिल्डर नोटेशन थी। सो इसकी एप्लीकेशन फिर इधर है। कंसिडर एफ इक्वल टू, हमने एक फंक्शन कंसिडर किया 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, सो ये चलता जा रहा है। इन्फिनिट सेट है या इन्फिनिट फंक्शन है। इस फंक्शन की अगर हम डोमेन निकालते हैं तो पहला एलिमेंट डोमेन होता है 1 है 2 है 3 है 4 है, ये डोमेन है, फिर चल रही है। इसकी जब हम रेंज निकालते हैं वो है 1 है 4 है 9 है 16 है, ये रेंज चल रही है। तो हमने अगर इस फंक्शन को, इस डोमेन को, इस रेंज को एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, देन सेट बिल्डर मेथड को यूज़ करेंगे। वो है क्या? सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ फंक्शन एफ इज़ एक्स वाई, कोई भी पेयर जो है वो एक्स वाई फॉर्म में आता है। सो एक्स वाई सच दैट, और एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एन मतलब वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर मतलब हर डोमेन के साथ उसकी रेंज जो एक्स स्क्वेयर आ रही है, 1 के साथ 1, 1 का स्क्वायर लो 1, 2 का स्क्वायर लो 4, 3 का स्क्वायर लो 9, 4 का स्क्वायर लो 16। सो हर डोमेन के साथ उसकी रेंज जो है स्क्वायर में आ रही है। सो हम फंक्शन लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये आपके पास जो है सेट बिल्डर नोटेशन थी फंक्शन की। लीनियर फंक्शन। अब फंक्शन एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो ये लीनियर फंक्शन की फॉर्म है, इसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं, और इसका जो ग्राफ है लीनियर फंक्शन का वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है सेट बिल्डर नोटेशन में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता होता है वो क्या बनता होता है? पैराबोला। उसके बाद है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इफ़ अ रिलेशन आर अ फंक्शन इज़ गिवन इन टू टेबलर फॉर्म, आपके पास कोई रिलेशन है, कोई फंक्शन है, वो टेबलर फॉर्म में आपको गिवन होगा, सो आपने उसका इन्वर्स लेना है, तो क्या करेंगे? जस्ट इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ द पेयर। हमने पेयर की पोजिशन को चेंज कर देना है। एक्स वाई आपके पास फंक्शन है, अगर एक्स वाई का आपने इन्वर्स बनाना है, आप वाई एक्स कर दोगे, उसकी पोजिशन को इंटरचेंज कर दोगे। If a relation or a function is given in tabular form, its inverse is obtained by interchanging components of each order pair. Components को change कर देना है। जैसे हमने, हमारे पास एक function f, a, b, c, d और e, f उसके अंदर pair है। So a पहला element है, c इसमें पहला है और e इसमें पहला है। तो जब हमने inverse लेना है, जो पहला element है वो दूसरा बना देना है, और जो दूसरा element है वो पहला बना देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? बी ए डी सी और एफ ई। सो इनवर्स ऑफ फंक्शन में आपके पास एक्स, आपके पास फॉर एग्जांपल भी एक फंक्शन है एफ एक्स और वाई, ये जनरल फंक्शन है। तो आपने अगर इसका इनवर्स लेना है तो जनरल प्रोसीजर ये है, अब वाई को एक्स बना दोगे। तो हमने जस्ट क्या किया? पोजीशन चेंज की। तो अगर इसकी जगह नेचुरल नंबर आ जाते हैं या कोई अल्फाबेटिकली लेटर्स आ जाते हैं, तो आपने जस्ट पोजिशन चेंज करनी है और उसका इनवर्स ऑटोमेटिकली निकल आना है। नोट, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन पॉजेज देयर इनवर्स। सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का जो है इनवर्स पॉजेज होता है। नंबर टू, इनवर्स ऑफ लीनियर फंक्शन इज लीनियर। लीनियर फंक्शन का आप इनवर्स लोगे तो लीनियर ही आएगा। इनवर्स ऑफ क्वाड्रेटिक, इनवर्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन मे आर मे नाट बी फंक्शन। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका इनवर्स जो है फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
एफ इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स, ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। नोट आपके पास क्या, इनवर्स ऑफ फंक्शन इज नॉट नेसेसरी ऑफ फंक्शन, किसी भी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज नॉट नेसेसरी ऑफ अ फंक्शन। हम जब फंक्शन का इनवर्स ले रहे होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन भी हो। सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज नॉट नेसेसरी ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन की टाइप्स थी जो यहाँ पे एंड हो जाती है। अब हमने लेक्चर 1, 2, और 3 में फंक्शन सीखा, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और वो कैसे काम करती है, उसके बाद फंक्शन की टाइप्स को सीखा, 2 लेक्चर्स इसके ऊपर बने। सो अब जो चौथा लेक्चर आ रहा है वो इनकी एप्लीकेशन है, तो वो अगर आप पहले 3 लेक्चर अच्छे देखोगे तो आपको एप्लीकेशन की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, और इस एप्लीकेशन से जो सवाल है वो आपके कोर्स में आता है। उम्मीद है आपको इन लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़।